गुड मॉर्निंग बच्चों, कलराव कक्षा 3 पाठ 9 के वाराणसी की यात्रा पाठ का के दो भाग हम पढ़ चुके हैं और आज यह तीसरा भाग हम पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो आइए पढ़ते हैं यह तीसरा भाग। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे, बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थी, उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था, जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका हुआ होगा वह मंदिर, मैं सोचता रहा। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। हम इसे एक बार और पढ़ेंगे। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे, बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थी, उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था, जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका होगा यह वह मंदिर, मैं सोचता रहा। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी, दीदी ने गरम जलेबियाँ खिलाई, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थीं। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। तो आपने जाना, संग्रहालय किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो आगे आने वाले लोगों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए रखी जाती हैं, उन्हें संग्रहालय कहते हैं। और आइए अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, घाट पर क्या लगा था? याद है ना, घाट पर क्या लगा था? मैं इनके उत्तर नहीं दूंगी, इनका उत्तर आपको स्वयं देना है। प्रश्न नंबर 2, लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ? प्रश्न नंबर 3, विद्यालय का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 4, विद्यालय को किसने बनवाया था? प्रश्न नंबर 5, मंदिर का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 6, दीदी ने क्या खिलाया पिलाया? प्रश्न नंबर 7, कुछ लोग क्या खा रहे थे? प्रश्न नंबर 8, संग्रहालय किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, संग्रहालय में और क्या देखा? प्रश्न नंबर 10, हमारे देश का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो यदि आपने इस पाठ को ध्यान से सुना है
तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दे लेंगे। मेरे एक प्रश्न को सुनकर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसका उत्तर देने के बाद फिर आगे बढ़िए। इसी पाठ का छोटा सा भाग बचा हुआ है जो हम कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बाय बच्चों।